उनके बाल्यावस्था में शैशवावस्था में कोई निवेश नहीं किया शिवपाल जी ने ये सोच करके कोई एक दिन वो मुख्यमंत्री होंगे। जब भी पिता मुलायम सिंह जी ने ये सोच करके उनकी उत्पत्ति नहीं हुई कि वो एक दिन प्रदेश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री होंगे। जब भी पिता ने उनके घर उनकी उत्पत्ति हुई, धर्म पिता के रूप में हम चाचा शिवपाल जी को कह सकते हैं, और हमें उन्होंने हरदम अंकल कहा, उसके लिए मैं उनका ऋणी हूँ। पढ़ाई लिखाई से लेकर के निजी जिंदगी तक मैं हमारा योगदान उनके प्रति सार्वजनिक रहा। बड़ी पीड़ा के साथ वेदना के साथ कहना चाहता हूँ, एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, ठीक से हिंदी भी नहीं बोल पाते, वो कहते हैं कि व्यापार करने आया है अमर सिंह उत्तर प्रदेश में। कौन सा व्यापार किया है मुख्यमंत्री बताएं? एक कौड़ी का अगर ठेका पट्टा लिया हो, स्थानांतरण उद्योग चलाया हो, कुछ लेन देन किया हो, बहुत विनम्र चुनौती है कि वो जांच करा लें, वरना इस तरह के अनर्गल बयान देने वालों के मुंह पर लगाम लगे। एक और है उनके नेता, हम नाम लेकर के उनका महत्व नहीं बढ़ाना चाहते, वह राजनाथ सिंह जी की काबिना में मंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी के नेता के काबिना में मंत्री रहे, काबिना मंत्री रहे। और बहुजन समाज पार्टी में भी रहे, कांग्रेस में भी रहे, और अब वर्तमान में समाजवादी पार्टी में अखिलेश जी के साथ हैं। सर्वदलीय अनुभव से उनकी अनुभूति बड़ी तीव्र है। अब वो मुझे भाजपा का एजेंट कर रहे हैं। मेरा सहव्यक्ति अल्पांश तरीके से किसी के साथ नहीं रहता, अगर रहता है तो पूरी तरह से रहता है, अन्यथा नहीं रहता। अगर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से हमारा सामंजस्य कभी अभी तक तो नहीं हुआ है, या किसी विचारधारा से, चाहे वामपंथी धारा हो, दक्षिणपंथी धारा हो, सांप्रदायिक धारा हो, या कोई विचारधारा हो, या तटस्थ विचारधारा हो, जिस विचारधारा में हमारा समन्वय होगा उसमें मैं समाहित होऊंगा। ये बैक डोर पिछले दरवाजे से, चोर दरवाजे से प्रविष्टि करके राजनीति करने की प्रवृत्ति हमारी नहीं है। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि तमाम राजनीतिक विवाद के मूल में कि किसके दल किस दल का समन्वय समाजवादी पार्टी में होगा, विलय होगा या नहीं होगा, कौन कौन से लोग मंत्री रहेंगे या निकाले जाएंगे, जिन जिन लोगों के लिए भाई शिवपाल जी का विरोध छवि के मामले पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, वो सभी लोग, सभी दागी लोग जो शिवपाल जी के साथ रहने पर दागी थे, आज प्रातःकाल जब मुख्यमंत्री जी के आवास पर जाकर के उन्होंने एफिडेविट दे दिया तो सब उज्ज्वल हो गए, सब के सब उज्ज्वल हो गए। सारे दागदार लोगों की दागदार छवि साफ हो गई, सफेदी की चमकार बार बार लगातार, सब उज्ज्वल हो गए। अंसारी बंधु उज्ज्वल हो गए, वह सारे मंत्री जो कल तक अच्छे नहीं थे, अब वृंदावन में रहना है तो स्वामी जी का सहना है, हाजी हाजी करना है, वो सब सत्ता के, वृंदावन के स्वामी के भक्त जब से हो गए तब से सब सुंदर हो गए, सत्य हो, सत्यम शिवम सुंदरम हो गए, वो सत्य हो गए, शिव हो गए और सुंदर हो गए। राजनीति में सत्ता की इस महत्ता को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और गांठ बांधता हूँ कि राजनीति बड़ी क्रूर और निर्मम है, और इस क्रूर और निर्मम राजनीति में किसी के लिए खड़ा होना अपराध है, और इस अपराध के अपराधी हैं शिवपाल जी। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जिन विशेष व्यक्ति की वजह से यह गतिरोध उपस्थित हुआ वह मुख्यमंत्री के प्रबल समर्थकों में से हैं, और जिनके घर पर मुख्यमंत्री पले बढ़े वो चाचा विरोधी हैं। हम
अखिलेश यादव को, चिरंजीव आयुष्मान अखिलेश यादव को अब भी साधुवाद देते हैं, यशस्वी होने का आशीर्वाद देते हैं। और हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम उनकी उन्नति के बाधक नहीं, और जो नए साधक उनको मिले उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। हम उत्तर प्रदेश में या लखनऊ में मैं इसलिए नहीं आया हूं कि गतिरोध हो, अवरोध हो। मैं चाहता हूं समन्वय हो, पिता पुत्र में युक्ति हो, मुलायम सिंह जी का भी सम्मान रहे और अखिलेश का यशस्वी नेतृत्व भी आगे बढ़े। ऐसी कोई राह निकलती है तो उसके समर्थक हम भी हैं और शिवपाल जी भी हैं। और मुलायम सिंह जी अकेले हैं, वो बेहसियत हैं। ये सब न तो सुनने की हमारी क्षमता है, न सहने की क्षमता है। और हैसियत संख्या से, हैसियत सत्ता से हमारी नज़र में नहीं होती। हैसियत आदमी के अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से होती है, और हैसियत कोई अमावस्या और पूर्णमासी का चांद नहीं है जो कभी पूंजित हो और कभी एकदम स्याह अंधेरा जिसमें आ जाए। बाकी जहाँ तक चोट का सवाल है, वो बाहर से नहीं मिलती। बाहर के व्यक्तियों से हम लोग बड़े पराक्रम से लड़ सकते हैं, अपनों से लड़ना बहुत मुश्किल है। वो कहते हैं ना, होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा, तेरा अपना खून ही तुझको आखिर आग लगाएगा, आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। तो अपनों से जब लड़ाई होती है तो मिट्टी में मिलना पड़ता है, लेकिन मिट्टी को नहीं भूलना चाहिए कि किस जिस कुम्हार ने उसकी निर्मित की है उस कुम्हार को याद रखे। नहीं तो जानते हैं क्या होगा, माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रूदे मोह, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूदूंगी तो ही। तोमर सिंह का बड़ा बयान, कहा कि अनर्गल बयानों पर लगाम लगाएं, अगर कोई प्रूफ है, किसी तरह का प्रमाण है तो बताएं कि मैंने कौन सा व्यापार किया, मैंने किसका स्थानांतरण व्यापार किया, मैंने किसकी ट्रांसफर पोस्टिंग कराई, ये बताया जाए। और नाम ना लेते हुए नरेश अग्रवाल और किरणमय नंदा पर हमलावर हुए अमर सिंह, और उनका कहना था कि जो लोग साथ रहे हैं मुख्यमंत्री को इस वक्त वो ठीक नहीं कर रहे, हालांकि अपने शब्दों में शब्दों की तीर चलाते उन्होंने उन्हें भी साधुवाद प्रेषित किया। चोर दरवाजे से घुसकर राजनीति करना मेरा मिजाज नहीं है।